क्लास बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक करवाए थे। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक करवाने और आपकी 4.2 कंप्लीट हो जानी है। जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है वो फिलहाल अभी आपने नहीं करना, ठीक है, जस्ट 7 से 9 करने, और ये वन बाय वन अब मैं आपको समझाऊंगी। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो मेरे साथ काम किया तो उसमें मैंने आपको एक रिलेशन का बताया था, कैसे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के उसकी रूट्स निकालते हैं, और बताया था रिपीटेड केस हो तो क्या करते हैं, नॉन रिपीटेड केस हो तो क्या करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है फाइंड द जर्नल फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। आपने इसकी जर्नल फॉर्म निकालनी है। जर्नल फॉर्म का क्या मतलब होता है? आपने सोल्व करके एट द एंड an की वैल्यू निकालनी है रूट्स की फॉर्म में। वही जो इक्वेशन एक मैंने आपको बताई थी कि an आपके पास होता है k1 r1 की पावर n, इसी तरह k2 r2 की पावर n, 2 अप टू सोन, ये वाली इक्वेशन आप लोगों ने अब निकालनी है। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको उन्होंने ए पार्ट में एक फंक्शन दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ, जो कि n इक्वल्स टू 6 an-1 - 12 an-2 + 8 an-3 है। आपने भी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सोल्यूशन में देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप लोग करते होते हो, फर्स्ट में आप लोगों को मैंने हमेशा कल लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब रिकरेंस रिलेशन निकालना है आपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले निकालनी है। और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का तरीका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि स्टेप नंबर 1 में आपने उसकी डिग्री कैलकुलेट करनी होती है। तो आप लिखोगे सोल्यूशन में कि आपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए स्टेप नंबर 1 आपका ये होता है, आप डिग्री कैलकुलेट करते हो। डिग्री आपके पास होता है हायर सबस्क्रिप्ट माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट, तो आप माइनस करोगे, यहाँ से डिग्री आपकी 3 आ जाएगी। स्टेप नंबर 2 मैंने आपको बताया था, जहां आपकी हाईएस्ट वैल्यू an होती है, सारी की सारी टर्म्स को आप वहां ले जाते हो और इक्वल टू 0 रख देते हो। तो स्टेप नंबर 2 में आपने यही किया, सारी की सारी वैल्यूज को an के पास लेके चले गए और इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि जो ए वाली टर्म्स होती हैं, आप इसको r से रिप्लेस करते हो एक सीक्वेंस बना के, और वो सीक्वेंस जो है वो डिग्री की पावर से स्टार्ट होती है। तो देखिए, आपने यहाँ पे an से स्टार्ट हो रहा है, r से आपने उसको रिप्लेस करना है, हाईएस्ट डिग्री किया थी 3, तो आप an को रिप्लेस करोगे r की पावर 3 से। सिमिलरली जैसे जैसे r की वैल्यू कम होती जाएगी, एक n की वैल्यू कम होती जाएगी। अब देखिए, n के बाद n-1 की वैल्यू चाहिए तो वो r की पावर 2 रह जाएगा। इसी तरह जब r की पावर एक और कम होगा, वो n-2 की वैल्यू निकल जाएगी, और जब r की पावर आपके पास खत्म हो जाए, 1 आ जाए, उसके बाद जो लास्ट टर्म होती है उसको 1 से रिप्लेस कर देते हो। तो an-3 को किससे रिप्लेस कर दोगे? 1 से। अब देखें, इसके अंदर जहाँ an-1 an-2 an-3 आ रहा था, आपने वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, आपने वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो आपके पास जो इक्वेशन बनी r³ - 6r² + 12r - 8 = 0 आ गया। अब पहले तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी जिसकी डिग्री 2 होती थी, तो आप लोग फैक्टर्स बना के सॉल्व करते थे, लेकिन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है अगर डिग्री हाईएस्ट हो जाए तो आप उसे सिंथेटिक डिवीजन से करते हो। अब यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई होगी,